झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति है कि विकास के मार्ग पर चलकर राज्य के लोगों को आगे लाया जाए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ भाजपा हटाओ। पहली बार मोदी जी ने युवाओं पर ध्यान दिया है, उनके रोजगार पर ध्यान दिया है। भाजपा की जनहित नीतियों के कारण ही देश के सर्वाधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस ने देश को एक ही चीज दिया है, वह है भ्रष्टाचार। इसमें कांग्रेस को कोई पछाड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भाजपा ने चिंता की है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना पेश की है, एक ही परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। अब गरीबों को इलाज के लिए अपना घर जेवर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। पूरे देश में शौचालय बन रहे हैं मोदी जी के कारण। अब मां बहनों को अंधेरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड भाजपा की ही देन है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी भाजपा है। पहली बार आदिवासी मंत्रालय शरदी अटल जी के शासनकाल में बना था। आदिवासी समाज के शहीदों को पहली बार भाजपा ने सम्मान दिलाने का काम किया है। और 5 बार 10 बार 15 वर्ष नहीं, 55 वर्ष कांग्रेस इस देश में, इस राज्य में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्य, लेकिन ये 55 वर्ष में ये जो कांग्रेसी देश वाला खाली लूटी।